Welcome to Innovledia. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोरल ड्रॉ में विजिटिंग कार्ड बनाना सीखेंगे कुछ बेसिक टूल्स एंड शेप के साथ। सो विदाउट डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कोरल ड्रॉ। एक विजिटिंग कार्ड का साइज होता है 88x55 मिलीमीटर। आप यहाँ नेमिंग कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ ओके। यहाँ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साइज़ मिलेंगे अकॉर्डिंग टू आपका डिज़ाइन। आप यहाँ से साइजेस चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपना बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ चूज़ किया है जो एक विजिटिंग कार्ड का होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस, अगर आपको बोथ साइड विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाना है तो आप नंबर ऑफ पेजेस 2 ले सकते हो। अगर आपको सिंगल साइड करना है तो नंबर ऑफ पेजेस आप 1 ले सकते हो। ये है प्राइमरी कलर मोड CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। एंड आप ड्रॉप डाउन करोगे से तो आपको एक और कलर मोड दिखेगा RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, मैं बस आपको ये बता दे रहा हूँ कि CMYK के कलर हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड RGB कलर हम लोग विजुअल्स के लिए ऐड करते हैं, ठीक है। सो अभी विजिटिंग कार्ड मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर CMYK मोड का यूज़ करूँगा। एंड रेंडरिंग रेजोल्यूशन क्या है कि जब भी आप कोई प्रिंटिंग रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो आपको 300 पिक्सल्स रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, इससे आपकी प्रिंटिंग की क्वालिटी बेटर आती है ओके। सो सेटिंग्स करने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ ओके। ये है हमारा डॉक्यूमेंट 88x55 मिलीमीटर का। इस डॉक्यूमेंट पे मुझे कुछ भी कलर्स डिज़ाइन लेने के लिए एक रेक्टेंगल का यूज़ करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, रेक्टेंगल लेके मुझे यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं करेंगे। इस रेक्टेंगल टूल पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ओके। यहाँ से मैं इस आउटलाइन का थिकनेस को हेयर लाइन कर देता हूँ, बिल्कुल पतला, और इसका विजिबिलिटी से मुझे कुछ मतलब नहीं है सो मैं इसे वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ इस टाइप का विजिटिंग कार्ड, रोल्स रॉयस कार का। सो मेरे पास पहले से क्रॉप किया हुआ इमेजेस है जो मैंने फोटोशॉप में कटिंग किया है। एक्चुअल इमेजेस ये है और मैंने जो कटिंग किया है उसे मैं ड्रैग करके कोरल पे लेके आता हूँ। अभी ये फुल स्क्रीन पे आ गया है सो मुझे इसे पूरा विजिबल करने के लिए F4 प्रेस करना पड़ेगा। F4 से ये सेंटर पे आ जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये मेरा इमेज काफ़ी बड़ा है सो मैं इसे शिफ्ट के साथ कॉर्नर से इसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ठीक है। एंड नाउ प्रेस F4 फॉर सेंटर, ठीक है। अब मैं इस इमेज को इस डॉक्यूमेंट में सेट करूँगा। डॉक्यूमेंट में सेट करने के लिए मैं मैन्युअली भी यहाँ से कर सकता हूँ ओके, बट समटाइम्स ये बहुत परफेक्ट नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आपका इधर से बाहर निकल जाए डॉक्यूमेंट से हिसाब से, चाहे इधर से निकल जाए बाहर। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को इस डॉक्यूमेंट के साथ पावर क्लिप कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने फोटोशॉप यूज़ किया होगा, फोटोशॉप में जैसे हम लोग क्लिप मास्क करते हैं किसी शेप के अंदर, किसी शेप को इंसर्ट करना। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे ये एक शेप है ओके, मैं इसमें कुछ भी कलर फिल कर लेता हूँ और इसके अंदर मुझे मान लो ऐसा कोई टेक्सचर है, इस टेक्सचर को मुझे इसके अंदर क्लिप करना है तो मैं क्या करूँगा, इसे राइट क्लिक से ड्रैग करूँगा और इस सर्कल पे ले जाके रिलीज कर दूँगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन से मुझे चूज़ करना है पावर क्लिप इनसाइड, मींस कि मैं इस टेक्सचर को
ऑर्डर कर रहा हूँ कि इस सर्कल पे क्लिप करे। सो पावर क्लिप इनसाइड। अभी क्या हुआ, ये टेक्सचर इस शेप के अंदर चला गया है, क्लिप हो गया है। ओके सो वही फंडा मैं इस इमेज के साथ करने जा रहा हूँ इस रेक्टेंगल में। राइट क्लिक एंड ड्रैग रिलीज पावर क्लिप इनसाइड। अभी देखो ये इस रेक्टेंगल के साथ क्लिप हो चुका है, आपको नहीं दिख रहा हो। मैं आउटलाइन को यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ आउटलाइन का, तो आपको विजिबल होगा। ठीक है, अभी मुझे सेंटर लाने के लिए मैं जस्ट पी प्रेस करूँगा, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। बट जो इमेज है मेरा वो सेंटर नहीं है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पावर क्लिप इनसाइड के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए कंट्रोल एंड क्लिक। अभी मैं पावर क्लिप के अंदर में हूँ। ठीक है, इसे मैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर लूँगा, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना इसे। ओके, एक बार फाइनल हो जाने के बाद इस आइकॉन पे क्लिक करके मैं पावर क्लिप से बाहर आ जाऊँगा। इस आउटलाइन को भी मैं इनविजिबल कर देता हूँ। क्लियर। अभी इस इमेज के साथ मैं एक बैकग्राउंड लूँगा। बैकग्राउंड लेने के लिए आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोरल पे अगर आप ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हो तो कोरल में दो तरह के ब्लैक्स होते हैं, एक ये एक ये। ये 100% ब्लैक है और ये 90%। 100% ब्लैक हमेशा यूज़ करना है ताकि आप प्रिंट करो तो आपका ब्लैक प्रॉपर ब्लैक आए। ओके, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपका कलर ग्रे स्टोन में चला जाए। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, 100% ब्लैक यूज़ करूँगा। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस इमेज में जिस तरह का शेडिंग दिया गया है, डार्क टू लाइट टू लाइट, सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बैकग्राउंड में भी सेम टोनिंग को यूज़ करूँ। ओके, कोरल ड्रॉ में टोनिंग यूज़ करने के लिए हमें फाउंटेन फिल का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम ग्रेडिएंट टूल के नाम से भी जानते हैं। ग्रेडिएंट टूल यूज़ करने के लिए मैं प्रेस करूँगा जी कीबोर्ड से, जी। ये आपका देखो आइकॉन चेंज हो गया, यहाँ एक बकेट जैसा आइकॉन दिख रहा है आपको, इसे जस्ट आपको ड्रैग करना है। ओके, इसे जितना ड्रैग करोगे ये उतना लाइट होगा, इसे आप फॉरवर्ड करोगे तो डार्क होगा, बैकवर्ड करोगे तो लाइट होगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो बॉक्स जिस पे कलर्स है, एक वाइट जिससे यहाँ वाइट फील हो रहा है, एक ब्लैक जिससे यहाँ पर ब्लैक फील हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इस पे क्लिक करके यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हो। ओके, ठीक है, आप इसे चाहो तो फ्लिप भी कर सकते हैं कलर को। फ्लिप करने के लिए मिरर हॉरिजॉन्टल, बट यहाँ पर हमारा लोगो भी उल्टा हो गया, सो इसे छोड़ देते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड पे कुछ मैं टेक्सचर्स यूज़ करूँ, तो उसके लिए टेक्सचर्स हैं हमारे मेरे पास। ये है मेरा टेक्सचर, इसे भी मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से कर लेता हूँ। अभी मैं चेक करूँगा जो मैं टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट में, उसका कलर मोड क्या है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं किसी डिज़ाइन को प्रिंटिंग के लिए बना रहा हूँ तो इस पे मैं जो भी इमेज यूज़ करूँ वो सारा CMYK मोड में होना चाहिए। तो चेक करने के लिए आप आई ड्रॉपर टूल को यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये CMYK में है, क्योंकि मैंने पहले से इसे CMYK में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको भी CMYK में कन्वर्ट करना है तो आप भी इसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सेम टेक्निक करूँगा, राइट क्लिक से ड्रैग एंड पावर क्लिप इनसाइड। ओके, अभी क्या हो रहा है कि टेक्सचर्स मेरे इस इमेज के ऊपर आ गया है, मुझे टेक्सचर्स पीछे चाहिए। सो मैं कंट्रोल प्रेस करके फिर से पावर क्लिप इनसाइड के अंदर जाऊँगा, कंट्रोल एंड क्लिक आ गया। अभी कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट कीबोर्ड से शिफ्ट एंड पेज डाउन फॉर सेंड टू बैक, चला गया। अब इसे आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लो। ठीक है, अभी मैं
इस आइकॉन पे क्लिक करके पावर क्लिप से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अभी मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड कलर जो मैंने लिया था वो इनविजिबल हो गया है, तो उसे भी विजिबिलिटी देना है और मुझे इस टेक्सचर को भी विजिबल करना है। सो मैं क्या करूँगा, इस टेक्सचर्स का ट्रांसपेरेंसी को मैं कम कर दूँगा ट्रांसपेरेंसी टूल से। मैं इधर से ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से क्रॉस करके आप इधर से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। जितना आपको विजिबिलिटी चाहिए आप उतना ड्रैग करो इसे, ये विजिबल होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है ये। ओके, और नहीं तो फिर आप इसे यहाँ से एलिप्टिकल फाउंटेन कर लो, तो क्या होगा, ये सेंटर से ट्रांसपेरेंसी होगा। कुछ ऐसा कूल। ओके, अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट। सो उसके लिए भी मैंने कुछ इमेजेस को डाउनलोड करके रखा है। ओके, अभी सारे इमेजेस को मैं कोरल पर ड्रैग करूँगा और इसे मैं स्केल डाउन कर लूँगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो मैंने बिटमैप इमेज यूज़ किया है वो थोड़ा पिक्सलेट हो रहा है। ठीक है, सो कोरल ड्रॉ में आप किसी बिटमैप इमेज को इजीली वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसका टेक्निक क्या है, सपोज़ मुझे इसे करना है कन्वर्ट, तो मैं इसे क्लिक करूँगा और ट्रेस बिटमैप में जाके आउटलाइन ट्रेस एंड डिटेल्ड लोगो, ये आपका इमेज वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसे आप इसे खींच के यहाँ ले आओ और इस बिटमैप को डिलीट कर दो। अब इस पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कूल, नाउ मैं इसी तरह इन सब बिटमैप को कन्वर्ट करूँगा डिटेल लोगों में। ओके ओके, डिलीट डिलीट एंड डिलीट। अभी मैं सबका कलर सेम कर लेता हूँ, आई ड्रॉपर से पकड़ता हूँ, क्लिक एंड फील, और नहीं तो थोड़ा प्रोफेशनल वे में आपको कलरिंग करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस कलर को आप ड्रैग करोगे राइट क्लिक से, जिस पे कलर फील करना है वहाँ छोड़ दोगे आप, एंड नाउ कॉपी फील हेयर, हो गया, कंट्रोल आर रिपीट। ठीक है, आप किसी तरह से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और राइट क्लिक से भी। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट में चारों तरफ से एक सेफ एरिया ले लेता हूँ, ताकि प्रिंटिंग के वक्त और कटिंग के वक्त ये कंटेंट और डिज़ाइन मेरा कटना हो। ठीक है,
मैं इसे लेफ्ट राइट साइड के कॉर्नर पे ले आता हूँ। और एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैं सबका अलाइनमेंट सही है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या करूँगा, मैं सबको एक साथ क्लिक करूँगा एंड आर प्रेस करके राइट अलाइनमेंट करूँगा कि राइट साइड से ये मैच करे। ठीक है, इस आइकॉन को थोड़ा सा मैं स्केल डाउन करता हूँ। ये भी देख लेंगे कि ओके गुड। अब मैं टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ टेक्स्ट टूल से। कोई भी नंबर जो आपको देखना है दे सकते हो आप। अब मैं इस विजिटिंग कार्ड पे एक फॉन्ट यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्विट्जरलैंड कंडेंस्ड। ये काफ़ी प्रोफेशनल फॉन्ट है और विजिटिंग कार्ड पे बहुत अच्छा लुक आता है इसका। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विजिटिंग कार्ड में जब आप फॉन्ट का यूज़ कर रहे हो तो फॉन्ट का साइज़ मिनिमम 6 से नीचे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 14 से ऊपर नहीं। ओके, सो मैं करता हूँ इसे 10। चेंज कलर, एड कर लेता हूँ। ओके, एंटर। लोकेशन, लोकेशन में आप कुछ भी डाल सकते हो। हो गया टाइपिंग, अभी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद मैं इसे राइट अलाइनमेंट करता हूँ यहाँ से। ओके, एंड नाउ द चेंज द कलर। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये टेक्स्ट पे ओवरलैप ना करे। ना, मैं यहाँ पर इस रोज़ रोज़ का लोगो को पुट कर देता हूँ। अभी आप देखोगे कि मैंने इस लोगो को लिया है, ये लोगो अपने आसपास बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है, देखो इसका ये पॉइंट को, इस लोगो का यहाँ है और इसका स्पेस यहाँ तक फैला हुआ है, तो मुझे इस स्पेस का ज़रूरत नहीं है। सो मैं इस स्पेस को क्रॉप कर देता हूँ F10 के यूज़ करके। F10 कीबोर्ड से F10 प्रेस करो एंड मूव टूल प्रेस करो एंड ड्रैग एंड मूव। ओके, पी फॉर पोजीशन, F4 फॉर सेंटर अलाइन। इसके अलाइनमेंट में होना चाहिए, तो मैं इसे क्लिक करके आर प्रेस करता हूँ एंड यहाँ से थोड़ा सा अप। शिफ्ट प्रेस करके मैं अप कर दिया। ठीक है,
अब मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, सेम डबल क्लिक करके, डबल क्लिक, इसे मैं बाहर ले आता हूँ। इस पे मैं 100% ब्लैक का यूज़ करूँगा, नो आउटलाइन। आउटलाइन को हटाने के लिए आप इस क्रॉस पे राइट क्लिक करो। ओके, मैं इस पे अभी जाता हूँ, एक ट्रांसपेरेंसी लगाता हूँ सेंटर से, और मैं यूज़ करता हूँ एलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। एंड पी फॉर पोजिशन। अभी ये वो डॉक्यूमेंट के पीछे चला गया है। आगे लाने के लिए शिफ्ट पेज अप, ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, नाउ मैं अपने लोगो और इस टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करता हूँ एंड शिफ्ट पेज अप। इधर की ट्रांसपेरेंसी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, इसे मूव करके। कूल cool. ये हो गया आपका विजिटिंग कार्ड रेडी। अब इसे प्रिंट के लिए कैसे तैयार किया जाता है वो भी देख लो आप। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल जी, या आप यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हो, है ना, कंट्रोल जी ग्रुप। ये अभी एक ग्रुप हो गया है, ठीक है। प्रिंटिंग करने के लिए मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, कंट्रोल एन। एंड प्रिंटिंग के लिए एक साइज़ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 12x18 का बोर्ड, 12x18 इंच, 18x12 इंच। ये आपका हो गया 12x18 का बोर्ड। इस पर भी सेम मैं डबल क्लिक करके एक आउटलाइन को फिल कर लूँगा और इसका विजिबिलिटी को मैं नन कर दूँगा, ठीक है। अब इस विजिटिंग कार्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, इसे आप मूव करके यहाँ ले जाओ। एंड शिफ्ट से ड्रैग करो एंड राइट क्लिक, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट F7, यहाँ आपको ट्रांसफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बॉक्स मिलेगा। आज मुझे एक कॉपी चाहिए इस पोजीशन पे, मिडिल राइट, सो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड अप्लाई। ओके, अब इसे सेलेक्ट करके मैं डाउन में क्लिक करके अप्लाई। ओके, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, मीन्स 1x18 बोर्ड में आप 25 पीस विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अभी इन सब विजिटिंग कार्ड को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लूँगा, ठीक है। एंड पी प्रेस करके पोजीशन, मींस ये पेज के सेंटर पे आ जाए। ये आपका विजिटिंग कार्ड प्रिंटिंग के लिए रेडी है। अब इसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा, फाइल एक्सपोर्ट। आपको जहाँ सेव करना सेव कर लो, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। यहाँ से मैं करूँगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में कुछ फीचर्स है जो आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ हो गया विथ एंड हाइट 18x12 इंच, 18 एंड 12, ठीक है। रेजोल्यूशन 300 एंड 100% 100% अलाइनमेंट। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके। ये हमारा कार्ड एक्सपोर्ट हो चुका है, मैं देखता हूँ इसे। यस, रेडी। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।